वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे घर में आसान तरीके से समोसे बनाना। समोसा बनाने के लिए हम पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा जो 500 ग्राम है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच अजवाइन, साथ में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक, इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 100 ml वेजिटेबल ऑयल और इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। जब मैदा अच्छे से इस तरह मुट्ठी में बंध जाए तो इसका मतलब है कि मैदे के अंदर मोयन अच्छे से आ गया हुआ है। अब आप पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैदा का एक सख्त डो तैयार कर लें। डो तैयार है, अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे और साथ में हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रोसेस में, जहां हम समोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन, पैन को गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच जीरा और जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। जीरा के चटकने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप मूंगफली और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब मूंगफली हल्का चटकने लगे तब इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ 2 चम्मच और इसे हम अच्छे से सभी को मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मटर जिसे हमने पहले से ही बॉयल करके रखा है। इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे मीडियम साइज के 4 से 5 बॉयल आलू, इसे हम 60% तक मैश कर लिए हैं, 40% पकाते समय इसे हम मैश कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच आमचूर और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। फिलिंग काफ़ी अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी किशमिश, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया पत्ते और इन सब को अच्छे से हम एक बार और मिला लेंगे। स्टफिंग अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी पैन में हम पनीर को सेलो फ्राई कर लेंगे। पैन में हम 1 छोटी चम्मच तेल डाले हैं और इसी में हम पनीर को ऐड कर देंगे और पनीर को हम 1 मिनट तक सेलो फ्राई करेंगे। पनीर अच्छे से सेलो फ्राई हो चुका है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
टिप नंबर वन, समोसे के डो को कड़क गूंथें और 10 मिनट रेस्ट के बाद हाथों से चिकना करें। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो समोसा तलते समय तेल पी लेगा और समोसा खास्ता नहीं होगा। अब समोसा की फिलिंग और डो दोनों तैयार है। अब हम समोसा बनाएंगे, जिसके लिए हम एक पेड़ा लेंगे और इसे बेलेंगे। इसमें हम मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और इसे लंबाई में बेलेंगे, नहीं ज़्यादा इसे मोटा बेलेंगे, नहीं ज़्यादा इसे हम पतला बेलेंगे। इसी तरह से हम बेल लेंगे और हम बीच से इसे कट कर लेंगे। एक पीस हम हाथ में लेंगे और इसके आधे हिस्से में हम पानी यूज़ करेंगे और इस तरह हम फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से कोन बन जाए और इसे अच्छे से हम दबा देंगे। इस तरह हाथों के बीच में लेंगे और थोड़ा सा मसाला हम नीचे डालेंगे ताकि कोन अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम पनीर डालेंगे, फिर से एक बार हम स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग को हम अच्छे से दबा लेंगे। अब हम ठीक इसके सामने एक फोल्ड इस तरह से देंगे और पानी की मदद से अच्छे से इसे इस तरह से हम मोड़ लेंगे अच्छे से। एक बार और देख लीजिए। टिप नंबर टू, समोसे के स्टफिंग को अच्छे से भूने ताकि उसमें नमी नहीं रहे। अगर नमी रहेगी तो समोसे की परत अंदर से नमी को सोख लेगी और समोसा थोड़े टाइम के बाद सौगी हो जाएगा। इसके अंदर स्टफिंग डालें थोड़ी सी और अब हम इसमें पनीर डालेंगे, फिर से हम स्टफिंग डालेंगे। और इसे हाथों से अच्छे से दबा लेंगे, फिर से इसे पीछे साइड में एक फोल्ड देंगे और पानी की मदद से इस तरह से अच्छे से चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाएंगे, नहीं तो तेल में जाके ये खुल जाएगा। समोसे को बना के हमने रख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहां समोसे को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल डाले हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि तेल गर्म है कि नहीं, जिसके लिए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा हम तेल में डाले हैं। ये हल्का हल्का इसमें से बुलबुला निकल रहा है, इसका मतलब कि हमको तेल इतना ही गर्म चाहिए। इसे ज़्यादा गर्म तेल हम नहीं यूज़ करेंगे, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे समोसा। टिप नंबर थ्री, समोसे गुनगुना तेल में ही डालें। अगर समोसे गरम तेल में डाल देंगे तो समोसे के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और समोसे ठंडा होने के बाद सौगी हो जाएगा। और यह समोसे लो फ्लेम पर ही केवल आप फ्राई करें। समोसे को हम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। समोसे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन।